हेलो भाई लोगों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। और आज बताऊं क्या बोलने वाला था मैं। आज ना ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और नहीं भी होने वाली है, वैसे तो होने ही वाली है। और मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा रेगुलर वीडियो शूट करने का। अभी मैं ना ब्रेक पे हूँ और ब्रेक टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मेरे दिमाग के अंदर ना एक टॉपिक आया जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने देख लिया होगा टाइटल में लिखा क्या है। अब मैंने पहले भी बताया है कि भाई यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है और क्या पे रेट चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता रखी हैं पहले भी। मगर अब क्या होता है, गूगल कुछ और बताता है और यहाँ पर चलता कुछ और है। मेन सीन ये है, मालूम है। और अभी वेदर देख रहे हो तुम, मेरे पीछे का देख रहे हो, यहाँ पर ना वेदर मतलब ख़त्म है। ख़त्म मतलब समझ रहे हो, पूरा ही ख़त्म भाई। कभी भी मतलब अभी देख रहे हो, अभी यहाँ पर ना मॉर्निंग में मैं आया था तो मौसम ठीक था, मतलब क्लाउडी था और सही था, मतलब यार धूप सी निकल रही थी। अभी थोड़ी देर के बाद बारिश हुई, अभी थोड़ी देर के बाद मौसम फिर वैसा ही हो गया, बिगड़ गया। यहाँ का मौसम ना बिल्कुल ही मतलब समझ रहे हो लड़की की तरह है, कभी मूड सही रहेगा कभी मूड खराब रहेगा, ऐसा वाला। और अभी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं, कितना पे रेट चल रहा है। मैं इस वीडियो में तुमको ना रियलिटी बताऊँगा यहाँ की। पे रेट ना तुमको गूगल में जाओ सर्च करो भाई, कितना न्यूजीलैंड में कितना पे रेट मिलता है, सब कुछ बताएंगे वहाँ पर। वेजेस कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, कितना टैक्स होता है, गूगल में लिख दो, सब कुछ बता देंगे, है ना। मगर मेन क्या है, मेन सच्चाई क्या है, आप वहाँ पर हो, इंडिया में हो, मैं भी था और मैंने गूगल में देखा भाई इतना मिलता है, यहाँ पर आया, मगर वो चीज़ अलग ही है। पे रेट तो उतना ही मिलेगा, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आप जो कैलकुलेट करके आते हो ना अपनी सैलरी, कि भाई इतनी हमको सैलरी मिलेगी, पहले ही दिमाग में फिट कर लिया कि भाई इतने घंटे काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। वो सारे टॉपिक के मेरे ऊपर बात करूँगा मैं, कितना मिलेगा, रियलिटी के ऊपर बात करूँगा। वो जो दिखता है गूगल में वो होता नहीं है, यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है। एक चीज़ बहुत कॉमन देखिए, वो क्या है मालूम है, आपको रोड साइड में ना ये वाली ट्रॉलियाँ दिख जाएंगी। वो यहाँ पर जैसे मॉल पास में होगा ना, इसके पार है, तो रोड लोग क्या करते हैं, रोड कह रहा हूँ, लोग क्या करते हैं मॉल से ही अपना सामान ऐसे ऐसे लेके आ जाते हैं अपने घरों तक। ये चीज़ें तो मैंने देखी है यहाँ पर ना ज़्यादा। और नाली भी इधर पहली बार देख रहा हूँ भाई ऐसी वाली, वैसे तो दिखती नहीं है अभी इस टाउन में है। देखो भाई ऐसी वाली नाली भी है यहाँ पर। अभी थक गया चलते चलते, है ना। और सामने तो अभी कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, बिल्ली दिखाई दे रही है ये इधर घूमती हुई रोड पे, ऐसा ही है बस, और कुछ नहीं है, सब खराब चल रहा है। और अब मैं तुमको बताता हूँ कि भाई क्या सैलरी मिलती है, कितना, मतलब रियलिटी बताऊँगा यहाँ के बारे में। अब तुमने मेरे को सब्सक्राइब क्यों किया हुआ है, मतलब यहाँ की जो जानकारी है उसके लिए किया हुआ है, और मेरे ब्लॉग वगैरह भी देख ही लेते होंगे आप। मगर मैं यहाँ पर क्या है मालूम है, इन्फॉर्मेशन तो देखो आपको गूगल में हर जगह मिल जाएगी, मगर रियलिटी क्या है, मतलब ग्राउंड में मतलब है क्या, चल क्या रहा है, उस चीज़ के ऊपर मैं बताता हूँ तुमको, वो चीज़ मैं बताता हूँ। चलो भाई अब सीन ऐसा है ना, मैं अब बताऊंगा गाड़ी में बैठ के, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। ये क्या है, टोटका कर रखा है यहाँ पर, टोटका लग रहा है भाई मेरे को, तो टोटका तो नहीं है, गाड़ी मेरी उधर खड़ी हो रखी है भाई। गाड़ी में बैठ गया और अब मैं तुमको बताता हूँ कि भाई क्या है रियलिटी, क्या है यहाँ पर सैलरी की। अब देखो मेन क्या होता है ना, मान लो आप सब ये सोचते हो कि भाई हम आएंगे न्यूजीलैंड में, हमको पे रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, वो तो मिलता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पर आवर के हिसाब से मिलता है पैसा, पे रेट के हिसाब से मिलता है पैसा। मगर मेन क्या होता है, मेन ये होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी करती हैं कि आपको पे रेट के हिसाब से नहीं देती, सीधा वीकली हिसाब से देती है कि वीकली में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप जितने भी घंटे काम करो। एक तो वो है मेन, ठीक है। तो आपको, आप पहले से दिमाग में सोच के आते हो कि भाई हम इतने पे आवर, मतलब हम इतने आवर काम करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा। मगर बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपने जो एम्प्लॉयर होते हैं, अपने जो एसोसिएट होते हैं, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं कि भाई हम आपसे वीकली का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, कि वीकली में आप जितने भी आवर्स काम करो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आपको वीकली के हिसाब से पेमेंट देंगे, है ना। और वो अपने जो पे स्लिप होती है और जो आपकी मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, मेल करते हैं, पे स्लिप तो देनी पड़ेगी, उसमें मेंशन होता है कि भाई आपने 40 आवर्स काम किया है तो आपको जितना आपका पे रेट है
जिस वीजा पे आप आए हो उसमें आपका मिनिमम पे रेट लिखा होगा उतना है, जैसे 25 होता है किसी का 22 होता है, किसी का 29 होता है, किसी का 31 भी होता है ना। पे स्लिप में मेंशन करती है कंपनियां कि आपने इतने आवर्स काम किया है, वैसे मेंशन करती है कि 40 आवर्स काम किया है, तो आपको 40 आवर्स का पैसा पे स्लिप में शो होगा। मगर रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि आपने 40 आवर्स काम नहीं किया, आपने काम किया है 40 आवर्स से ज़्यादा, जैसे 50 कर लिया, 60 कर लिया, 70 कर लिया, मगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वीकली के हिसाब से कि आप वीक में जितना भी काम करोगे हम आपको पेमेंट वीकली के हिसाब से देंगे, पे रेट के हिसाब से नहीं देंगे। मगर आपकी जब पे स्लिप आएगी उसमें मेंशन होगा कि भाई मतलब आवर्स के हिसाब से उसमें मेंशन होगा कि 40 आवर्स काम किया है इसने, तो आपको 40 आवर्स का पैसा दिया जाएगा, ऐसा होता है। एक तो अब एक और बात मैं तुमको बताता हूँ, वो क्या है मालूम है, वो ये है कि बहुत लोग पहले से ही ना अपने माइंड में लेके चलते हैं, जैसे कि भाई इंडिया से ही आप कोई भी कंट्री से आ रहे हो तो अपने माइंड में ये लेके चलते हो कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी सैलरी भाई मिनिमम हमारी सैलरी 2-3 लाख होगी, है ना, 3 लाख होगी, 4 लाख भी होती है, ऐसे बोलते हैं या समझते ही हैं लोग कि भाई इतनी होगी वहाँ पर, मगर ऐसा नहीं है, इतनी सैलरी नहीं होती मेरे हिसाब से। तो भाई आप एज अ एसोसिएट काम करते हो कहीं भी, मैनेजर लेवल पे नहीं बोल रहा, एसोसिएट लेवल पे बोल रहा हूँ, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में मेरे हिसाब से 2-3 लाख रुपए के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी इंडिया के हिसाब से, है ना, इतनी आपको मिलेगी पक्का, इतनी मिलेगी और इससे कम तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है मालूम है, यहाँ पर कंपनियाँ होती हैं, जो कंपनियां क्या करती है, कंपनियां ना बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है, वो बोलती है कि भाई हम आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएंगे, खाना प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको मतलब जो भी फैसिलिटी होगी बस की, ट्रैवल की, फ़ोन रिचार्ज भी करवाती है बहुत सारी कंपनियां, ऐसा नहीं है फ़ोन में पेमेंट भी कर देती है, बहुत सारी कंपनी होती है फ़ोन का रिचार्ज भी देती है यहाँ पर, मतलब वो आपस में बॉन्डिंग होती है उनकी, एम्प्लॉयर एसोसिएट के बीच में होती है, तो भाई कर देते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है मंथली के हिसाब से मिल रही है या वीकली के हिसाब से मिल रही है, वो उसमें से कट कर लेंगे आपका, ऐसे तो नहीं है फ्री में अकोमोडेशन वगैरह देंगे, वो आपको कट कर लेंगे। तो आपको जो पैसे मिल रहे होंगे 1000 लगा लो वीकली आपको प्रोवाइड हो रही है, उसमें से वो $300 कट कर लेंगे अपने अकोमोडेशन के लिए और ट्रैवल के लिए और बाकी की जो फूड होगा फैसिलिटी देने के लिए, तो वो कट कर लेती है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी होती है कि भाई आपको मतलब प्रोवाइड करवाती है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, ऐसे नहीं है कि भाई सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो बोलती है कि भाई यहाँ पर न्यूजीलैंड में खुद ही अकोमोडेशन लेना पड़ेगा, खुद ही मतलब सब कुछ हो, मगर ज़्यादातर कंपनियाँ क्या करती है, ज़्यादातर कंपनियाँ भाई सैलरी देती है सिंपल और अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवाती ट्रैवल, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मतलब महंगी पड़ती हैं यहाँ पर इस चक्कर में। और आपकी सैलरी में से जो आप सोच रही हो कि भाई हमारी सैलरी न्यूजीलैंड में इतनी होगी और हम इतना बचा लेंगे, इतना खर्चा कैसे भी खर्चा कम करके इतना बचा लेंगे, मगर आप बचा सकते हो मेरे हिसाब से, बचा सकते हो, बिल्कुल बचा सकते हो भाई, मगर मेरे से तो बचता नहीं है, पता नहीं क्यों खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं मेरे, मगर आप बचा सकते हो। मान लो आपको मंथली आपको $4000 मिल रहे हैं, यहाँ पर मंथली आपको $4000 मिल रहे हैं, तो आपका रूम रेंट उसमें से निकाल के, रूम रेंट आप मिनिमम लेके चलो $800 आपको रूम रेंट मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, $800 जो होगा, मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम भी लगा लो मेरे हिसाब से तो $800 होगा, क्योंकि $200 चल ही रहा है रेट, और उससे भी कम मिल जाता है वैसे तो, वो डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसे रह रहे हो। तो और बाकी खर्चा वर्चा हटा के $1000 आपका गया इन चीज़ों में, ट्रैवल में और क्या नाम है उसका रिचार्ज वगैरह जो भी है फ़ोन में करवाना पड़ेगा ही वो तो, और उसके बाद आपका इंटरनेट हो गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इसको रूम रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, $1000 उसमें लगा लो, और $500 उसमें लगा लो कि भाई हमने कहीं भी मन कर गया कहीं खाने का कुछ, अब खाना भी तो खाना है, है ना, खाना भी खाना है रूम पे, मतलब ब्रेकफास्ट करना है, जिम भी जाना है, ये सारी चीज़ें जो करते ही हैं सब लड़के होंगे, लड़कियां भी होगी जो आएंगी, तो ये सब करेंगे, उसमें से $500 उसका कट कर लो, और फिर बाकी के कितने बच गए आपको, 2500 बच गए आपके, तो 2500 आप बच गए तो वो इंडिया के हिसाब से मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपये करीब हो जाएंगे, है ना। तो 1.5 लाख रुपये आप बचा सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि भी नहीं बचा सकते, 1.5 लाख भी नहीं हुए, थोड़े कम हो गए 1.5 लाख से, 1.5 लाख से थोड़े कम हो गए, क्योंकि 1000 हो गया 50, 1.5 लाख नहीं मेरे हिसाब से 1,25,000 करीब हो गया ना पैसा, तो इतना आप आराम से यहाँ पर इजी सेव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अभी बीच में क्या हुआ, अप्रैल में जो वेजेस मिल रहे थे ना मिनिमम, वो 22.66 मिल रहे थे, तो अभी क्या हो गया, वो वेजेस थोड़े से बढ़ गए, September 1st से बोला गया कि September 1st से मिनिमम वेजेस हो जाएगा 22 के बाद 26 हो जाएगा, तो अभी उसका पूरा कंफर्म नहीं मालूम भाई होगा या नहीं होगा, मगर बोल रहे हैं कि September 1st से जिनके वीज़ा लगेंगे उनका मिनिमम वेजेस 26 हो जाएगा और जो मीडियम वेजेस है वो 31 हो जाएगा।
तो अभी जैसे मीडियम 29 हो रहा है तो वो 31 हो जाएगा सितंबर 1st से, ये बोल दिया है आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी पता चल गया होगा देखो साइड में। और मैं ये सारी चीजें बताऊँ क्यों बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्यों ना बहुत लोग ना पहले से ना कैलकुलेट करके आ जाते हैं अपने माइंड में कि भाई ये इतना इतना पे रेट मिलेगा और इतने इतने आवर्स का मिलेगा, इतने आवर्स काम करूंगा तो इतना मिलेगा। ठीक है वो करो, आपकी कंपनी आपको देती है आवर्स के हिसाब से, हो सारी कंपनी आवर्स के हिसाब से देती है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कि भाई आवर्स के हिसाब से नहीं मिलता सैलरी और यहाँ की बुराई कर रहा हूँ। और बहुत लोग मेरे को बोलते हैं पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यार न्यूजीलैंड की तू हमेशा बुराई करता रहता है यहाँ की। मैं बुराई नहीं करता, मैं यहाँ की रियलिटी बताता हूँ। अब रियलिटी जैसी होगी वैसी तो बताएगा आदमी, जैसा मेरे को दिख रहा है। अब मैं ऐसा तो यानी गूगल से निकाल लूँ भाई इन्फॉर्मेशन और दूसरों लोगों की वीडियो देख लूँ, इन लोगों की वीडियो देखी जो उन्होंने कॉपी किया है वही मैं सुनूं उनको और मैं अपनी वीडियो में बता दूं जो मेरे को दिख रहा है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, जो मेरे को दिख रहा है, जिन लोगों से मैं पूछ रहा हूं, जैसा मैं सुन रहा हूं, वो सारी चीजें तो बताऊंगा। अब मैं YouTube में ही वीडियो देख लूं किसी और की, वो बोल रहा है कि भाई ऐसा 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 है और मैं अभी यही बोलने लगता हूं ऐसा 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 है, क्यों बोलूं मैं ऐसा, जो मेरे को दिख रही है वही तो मैं बोलूंगा और वही मैं बताऊंगा। आपको ठीक लगता है वो ठीक लगता है, जिसको नहीं लगता ठीक भाई अब क्या बोल सकते हैं उनको, और उनको तो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि भाई नेगेटिव बताता हूँ मैं, पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत अच्छी कंट्री है और भाई जो यहाँ पर आ गया वो तो खुश किस्मत क्या बोलते हैं उसको, वो तो लकी है भाई जो यहाँ पर आ गया न्यूजीलैंड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अब्रॉड कंट्री के हिसाब से मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो आ गया सेटल नहीं हो सकता भाई, इजी है यहाँ पर और कंट्री के हिसाब से, क्योंकि और कंट्री में क्या कनाडा जाओ आप, यूएस में जाओ, यूएस से जाओ, वहाँ पर आफ्टर 5 ईयर के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो और 5 ईयर के बाद ही आपको रेजिडेंसी मिल सकती है। मगर यहाँ पर न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, आफ्टर 3 ईयर आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो, वर्क वीजा आपका खत्म हो गया तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ें ईजी है यहाँ पर, हर चीज़ ईजी है, ड्राइविंग करना भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर ईजी है। और सबसे मेरे हिसाब से तो एब्रोड में जितनी भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, उनकी भी मैं बुराई नहीं कर रहा, मगर जहाँ मैं रहता हूँ न्यूजीलैंड हूँ मैं अभी, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी और सबसे बढ़िया है। जो यहाँ पर आएगा भी वो मेरे हिसाब से तो भाई वो लकी होगा। और भाई अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू वहाँ पर है और वहाँ की बुराई करता रहता है, ऐसा नहीं है भाई, बुराई नहीं करता मैं आपको यहाँ पर क्या बताता हूँ, मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये यही बात है जो मैं मतलब सुन रहा हूँ और जो मेरे को दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ कि भाई ये मतलब आपको बता रहा हूँ कि भाई गलत है, मगर जो है वही बता रहा हूँ मैं आपको, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। हाँ बस यही है और कुछ नहीं है। और मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि इससे पहले ना मैंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डाल रखी है, उसमें ना पे रेट बता रखा है मैंने कितना मिल रहा था वो, मगर वो अप्रैल के हिसाब से, अभी सितंबर के हिसाब से चेंज हो गया, मगर कंफर्म नहीं है मिल रहा है नहीं मिल रहा, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही मैं बता दूंगा। मगर क्या था जो अप्रैल के हिसाब से मिल रहा था 2020 अप्रैल के पहले जो पे रेट मिल रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है ना, तो आप वाली वीडियो भी देख लेना, मैं यहाँ पर कर दूंगा मेंशन है ना, यहाँ पर आ रही होगी वाली वीडियो, वो वाली देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया गूगल के हिसाब से, जो गूगल में बताया ना इतना पे रेट मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है, इतना ही मिलता है, इतना ही मिलता है, उस वीडियो में मैंने बता रखा अपने मुँह से, बस वही है और कुछ नहीं है। चलो फिर अभी क्या करना है मेरे को, और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ना क्या बोलते हैं इसको पार्क करने गाड़ी मॉल के अंदर, अभी मेरा ब्रेक भी ख़त्म हो गया तो गाड़ी पार्क करता हूँ और उसके बाद फिर चलो चलते हैं। जगह तो मुझे नहीं रही यहाँ पार्क करने की, चलो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं भी जा रहा हूँ, और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है, इधर आ रही होगी वाली वीडियो भी देख लेना है ना, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।